गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम इन माय जीके ऑनलाइन क्लास। गोइंग टू टीच यू जीके। टुडे माय टॉपिक इज गेम्स फॉर यू। दिस इज क्लियर योर टॉपिक गेम्स फॉर यू। मीन गेम्स आपके लिए, खेल आपके लिए। यानी कि इस चैप्टर में ऐसा लग रहा है कि इसमें गेम्स से जुड़े ही टॉपिक्स होंगे, यानी कि गेम्स के बारे में बताया गया है। ओके, किस लेकिन अब किस गेम के बारे में बताया गया है यह जानने के लिए हमें क्या है, चैप्टर पढ़ना होता है। तो आप हम इस चैप्टर के बारे में जाने। तो गेम्स फॉर यू चैप्टर गोइंग टू स्टार्ट। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स जो है ये आपका इसमें चैप्टर दिया गया है। एथलेटिक्स बारे में, एथलेटिक्स जो होते हैं वो किसे कहते हैं, एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स किसे कहेंगे, यानी कि जो इसके अंदर बहुत सारे गेम आते हैं। रनिंग आता है, जैसे ये नाम दिया हुआ है, रेस आया है, हर्डल रेस आता है, स्टीप रेस फिर आता है, हाई जंप आता है, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो और शॉर्ट पुट। तो ये सब गेम इस एथलेटिक्स के तरफ आते हैं। एथलेटिक्स का एक्सप्लेन हम करने जा रहे हैं। एथलेटिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट दैट इन्वॉल्व्स कॉम्पिटिटिव रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड वॉकिंग। यानी कि एथलेटिक्स इज ए कलेक्शन, यानी कि एथलेटिक्स जो है कलेक्शन है इसका, उस स्पोर्ट्स इवेंट का। किस स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इवेंट यानी कि खेल के इवेंट का। इन्वॉल्विंग इसमें क्या क्या इन्वॉल्विंग रहता है, जैसे कॉम्पिटिटिव रनिंग, रनिंग आता है, जंपिंग आता है, थ्रोइंग आता है एंड वॉकिंग आता है। तो अब इन्हीं सब का इसमें डीपली एक्सप्लेन किया गया है। अब हम उस गेम को जानेंगे जो एथलेटिक्स के तहत आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रेसेस। रेस, रेस मतलब नाम से ही क्लियर है, रेस का मतलब होता है दौड़ लगाना। अब इन किस तरह का दौड़, किसी का एक्सप्लेन है, एथलेट्स रन टूगेदर फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस। ये जो एथलेट्स होते हैं एक साथ दौड़ते हैं एक शॉर्ट डिस्टेंस में। द फर्स्ट वन टू रीच द फिनिश लाइन इज द विनर। जो पहला फिनिश लाइन के पास पहुंचता है वो क्या कहलाता है, विनर कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, रेस क्या है, रेस है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स जो है क्या होते हैं, एथलेट्स जो है रन करते हैं टुगेदर एक साथ। एथलेट्स रन टुगेदर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी के लिए। और द फर्स्ट वन टू रीच द फिनिश लाइन इज द विनर। जो जो है लाइन को फिनिश करता है उसे क्या कहते हैं, विनर कहते हैं, यानी कि वही जीत जाता है। जैसे दूरी बनाई होती है, जैसे यहाँ जो है 5 किलोमीटर का रेस है, तो 5 किलोमीटर की रेस के इन्हीं पॉइंट पर एक मार्क्स रहता है जहां तक प्लेयर्स को पहुंचने होते हैं। और वहां तक जब वो पहुंच जाता है वो विनर कहलाता है, जो पहला पहुंचता है। और सेकंड थर्ड इस तरह से बनते हैं। अब आता हर्डल रेस। हर्डल रेस क्या है, एथलीट्स जंप अक्रॉस। एथलीट्स क्या करते हैं, जंप अक्रॉस सेवरल बैरियर्स व्हाइल रेसिंग। रेसिंग के दौरान उसके बीच में बाधा उत्पन्न किया जाता है, जैसे बाधा बीच में किया जाता है और उसे वो पार करते हैं, उसको जंप करते हुए वो पार करते हैं, उसे हम कहेंगे हर्डल रेस। स्टीपल, स्टीप रेस, तो ये रेस जो है जिसमें एथलीट्स क्रॉस अक्रॉस वाटर पूल्स अलोंग विद हर्डल रेस। ये जो है क्या करते हैं, एथलीट्स एक वाटर पूल दिया जाता है, यानी कि वाटर का पार्ट आता है जिसे ये पार करते हैं दौड़ के दौरान। हाई जंप, एथलीट्स रन एंड जंप ओवर ए हॉरिजॉन्टल रॉड। ये हॉरिजॉन्टल रॉड होता है जिसके ये पार करते हैं, जैसे इस तरह का ब्रेकर जैसा बना रहता है जिसे एथलीट्स क्या करते हैं, पार करते हैं। हाई जंप, एथलीट्स रन एंड जंप ओवर ए हॉरिजॉन्टल रॉड। ये अब आ लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में क्या आता है, इसमें रॉड के ऊपर से क्रॉस करना रहता है, इसमें रॉड बना रहता है बीच में कहीं कहीं रेसिंग के ट्रैक में। लेकिन लॉन्ग जंप में क्या होता है, एथलीट्स रन एंड जंप इनटू अ सैंड पिट। ये एक सैंड पिट के को पार करते हैं, जंप करते हैं। सैंड पिट इसलिए बिछा जाता है ताकि फिर ये लॉन्ग जंप में रहता है तो दूरी को दिखाता है और ये हाइट में
जो चीला होता है इस डंडे के सहारे वो एथलीट क्या करता है, क्रॉस करता है पूल। अब अलाव उसे हम कहेंगे ओल्ड बोल्ड। ये फ्लेक्सिबल मतलब होता है लजीला, इसलिए दिया गया था वो उसके सहारे ही वो क्रॉस करते हैं। जैवलिन थ्रो एथलीट थ्रो ए लॉन्ग स्पीयर, इसमें दिया हुआ है कि लॉन्ग स्पीयर यानी कि लंबा, ये क्या होता है भाला के समान होता है, भाला जो होता है उसको हम जैवलिन थ्रो कहते हैं। जैवलिन थ्रो कहते हैं इसकी दूरी नापी जाती है, क्या होती है दूरी, जितनी दूर तक भाला जाएगा वहां से उसकी लंबाई ये नापी जाएगी, वहां पर जितना अधिक जाएगा वो बड़ा विकेट बन जाएगा। अब आता शॉर्ट पुट, एथलीट्स थ्रो ए आयरन बॉल, ये क्या करते हैं आयरन बॉल, काफी हैवी आयरन का बॉल होता है जिसे एथलीट्स फेंकते हैं तो इसे हम शॉर्ट पुट कहेंगे। तो यहाँ मार्क्स करने वाली बात यह है कि एथलीट्स जो है हम जानते हैं एथलीट्स को, लेकिन इसके तहत कौन कौन से गेम आते हैं वो नहीं ध्यान में रखते हैं, तो हमें इसमें बस यही ध्यान में रखना है कि एथलेटिक्स के तहत कौन कौन से गेम आते हैं, जिसका नाम है रेस, रेसेज, हर्डल रेस और स्लिपलेज, हाई जंप, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट। तो आपको इन्हीं नामों को ध्यान में रखना है कि एथलेटिक्स के तहत कौन कौन से गेम आते हैं। ओके, थैंक्स, बाय।